नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश का राउंड टू का डिटेल्स आ गया है और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि रूल्स आ गए हैं। तो देखिए, पहले क्विकली आपको मैं शेड्यूल बता देता हूँ। 17 फरवरी यानी कल से हम फिर से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जो 4 दिन का समय दिया गया है। और फिर से लास्ट टाइम की तरह 18 से 22 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे या जो उत्तर प्रदेश काउंसिल में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राउंड वन में नहीं किया था, उत्तर प्रदेश में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 30,000 रुपये सरकारी सीट का, 2 लाख रुपये प्राइवेट एमबीबीएस का, 1 लाख रुपये प्राइवेट बीडीएस का, वो पहले जमा कराना होता है। ठीक है, जमा तो उत्तराखंड ने भी कराया था, लेकिन फर्क ये है कि इसमें आपको ऑफलाइन जाकर दे के आना पड़ता है। और बाकी मेरे कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो ट्राई करना चाहते थे उत्तर प्रदेश, लेकिन क्योंकि ऑफलाइन आके वो ड्राफ्ट देना पड़ता है। तो अगर आप उड़ीसा में रहते हैं, वो जो क्लाइंट थे वो वेस्ट बंगाल के हैं, तो वो नहीं आ पाए। वो कहते हैं सर, मतलब यू नो, ऑनलाइन देना फिर भी आसान था, लेकिन जाकर, और इसमें जाना ही पड़ता है और बच्चे को भी आना पड़ता है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके अलावा देखिए, बाकी सब रूल सेम है। आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। चॉइस फिलिंग है वो 4 मार्च से 7 मार्च तक होगी, और जो रिपोर्टिंग है वो 9 मार्च से 14 मार्च। तो जैसा कि हमने कहा ही था कि ऐसा नजर आ रहा है कि स्टेट्स के जो राउंड टू हैं वो मिड मार्च में खत्म होंगे, क्योंकि एमसीसी का ही जो राउंड टू है वो अब मार्च 5-6 तक खत्म होता नजर आ रहा है। तो 1 अप्रैल जो मेरी ऑफिशियल स्टार्ट ज्वाइनिंग डेट है उसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि देखिए अब ये लोग अपना राउंड टू ही 15 मार्च को खत्म कर रहे हैं। तो मेरे को डाउट ये है कि मॉपअप राउंड तो फिर मार्च में नहीं, शायद अप्रैल में ना खिंच जाए। तो ये तो इस टाइमलाइन को देख के मुझे ये घबराहट हो रही है, क्योंकि एमसीसी के बाद ही स्टेट चलते हैं जो हम जानते ही हैं। तो इस शेड्यूल के हिसाब से तो कोई बड़ी बात नहीं कि 1 अप्रैल को भी ना हो और मामला 8-10 दिन और आगे चला जाए, क्योंकि मॉपअप राउंड तो होगा ही ना हर स्टेट का। अब रूल्स पे आते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ब्रॉडली हम पहले ही जानते हैं कि 3 पेज हैं, मैं ब्रॉडली आपको समरी बता देता हूँ। फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है, पहला बात यह है। तो जो लोग, जिन्होंने राउंड वन उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं करा था, वो अपना 2,000 का रजिस्ट्रेशन जो कि अमाउंट होता है वो देके रजिस्टर करा सकते हैं। हम वेबसाइट जानते ही हैं, upneet.gov.in, और उसमें आप रजिस्ट्रेशन करिए, 2,000 रुपीज आपसे ऑनलाइन दिए जाएंगे। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो लोग भी रजिस्टर करेंगे नया, और जो लास्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन किया था उसको मिला करके स्टेट मेरिट लिस्ट आपके सामने बता दी जाएगी। जो भी रजिस्ट्रेशन करता है उसको फिर वो जाके भाई 30,000, 1 लाख या 2 लाख का डीडी जमा कराना है, और साथ में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। अब यहाँ पर एक और बात बता दूं जो कि बीच में पॉइंट आएगा। कुछ लोग मेरे ऐसे थे जिन्होंने पहले 2,000 रुपये दिए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था राउंड वन में एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। अब उनको पार्टिसिपेट करना है तो उनको 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। वो जो उस समय का रजिस्ट्रेशन नंबर था, जो लेटर मिला था ना आफ्टर रजिस्ट्रेशन, वही ले जाके आप नोडल सेंटर में जा सकते हैं, सेम नोडल सेंटर जो आपने चूज किया था लास्ट टाइम, और वो 2 लाख और डॉक्यूमेंट वेरीफाई या जो भी आपका डीडी बनता है 30,000, 1 लाख या 2 लाख, वो कर सकते हैं। सो री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है उसने जिसने लास्ट टाइम किया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये एक क्लैरिफिकेशन मैंने दे दी। सिमिलरली वो फिर भी ये कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे लेकिन आपका एक आध डॉक्यूमेंट कम था, वो जाके दे आओ। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उसे नहीं कराना है दोबारा। जिसको कोई भी सीट नहीं मिली थी वो डेफिनेटली राउंड टू में पार्टिसिपेट करेगा, उसे कुछ नहीं करना है, सीधा जाके चॉइस फिलिंग करनी है। ये जब मैंने कहा था, देखिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था और सिक्योरिटी मनी जमा नहीं कराई थी वो जाके जमा करा सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हम जो जानते ही हैं, अगर आपने पहले राउंड में आपको सीट मिली थी, आपने नहीं ली थी, आपके 2 लाख रुपए खराब हो गए, लेकिन अब आप दोबारा से वही सेम अमाउंट देके नोडल सेंटर में जाके आप दोबारा से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं। उत्तर प्रदेश कहते हैं 2 लाख रुपए दो, दोबारा से आ जाओ। उसके बाद चॉइस लॉकिंग और लॉगिन का पासवर्ड एक ही होता है, आपको पता ही है कि कभी भी पुराना पासवर्ड काम नहीं करता है, तो हमें फिर से फॉरगेट
पासवर्ड ऑप्शन में जाकर ही करना पड़ेगा, लॉक भी करना होता है, चॉइस फिलिंग हम जानते ही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 13, जिन लोगों ने राउंड वन में सीट ले रखी है और वो जो अपग्रेड के लिए करना जाना चाहते हैं, उनको वो विकल्प नहीं भरना है, वो ध्यान रखिए, कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो आप सिर्फ वही विकल्प भरिए जो कि आप राउंड वन की सीट के अलावा है। सिमिलरली आप देखिए वही विकल्प भरेंगे ना जो आपको चाहिए, राइट। तो अगर आपको ऑलरेडी मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मिल चुका है तो अब आप सरस्वती हापुड़ मत भरिएगा या केडी मथुरा मत भरिएगा, मैं मान के चलूँ कि वो सब रैंक भी नीचे आएंगे, राइट। तो आपने मुजफ्फरनगर मेडिकल आपको मिल चुका है और आपका सपना शारदा या श्री राम मूर्ति का है, तो अब की बार खाली वही दो ऑप्शन भरिएगा। मुजफ्फरनगर मेडिकल भरने की जरूरत भी नहीं है, पूरी लिस्ट भी नहीं भरनी है, वरना पता चले नीचे कॉलेज मिल गया आपको, और जैसे नीचे का मिल जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी पहली सीट कैंसिल हो जाती है। तो पॉइंट नंबर 14 है, बड़ा फेमस है, जब नई सीट मिली गई तो पुरानी सीट कैंसिल हो गई। हाँ, नई सीट नहीं मिलती है तो पुरानी सीट रिटेन रहती है, इसलिए आपको पुरानी सीट दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आपको खामखामे यदि विकल्पों में आपने पुराना वांटेड कॉलेज भरा और वही आपको दोबारा मिल गया, तो आपको दोबारा नोडल सेंटर में जाके सारा वो तामझाम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा पुराना कॉलेज मत भरिएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको अपग्रेड होता है नहीं, ठीक है, नहीं होता तो आप डिपॉजिट दे चुके हैं, आप अपने कॉलेज में जाइए, वहां पर अपना हॉस्टल फीस सिक्योरिटी मनी दीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। एक और चीज उन्होंने बताइए कि द्वितीय चक्री काउंसलिंग के अंदर ही अगर प्राइवेट जो माइनॉरिटी 5 कॉलेजेस है उनकी माइनॉरिटी सीट अगर रिक्त रह जाती है तो वो जनरल कैटेगरी में वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी सेकंड काउंसलिंग के दौरान ही, ये लोग उसका वेट नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट आ गया, 18, आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, आपने को अपग्रेड नहीं चाहिए तो आपको सेकंड राउंड में कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठिए। लेकिन जैसा इन्होंने कहा था कि जो रिपोर्टिंग है वो आप वेट कर सकते हैं सेकेंड राउंड खत्म होने के बाद, विच मीन्स 15 मार्च खत्म होने के बाद, ठीक है। मेडिकल है वो लोग खुद कर रहे हैं, आप करवाइए ना करवाइए फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने पॉइंट नंबर 20 बोला है कि 14 फरवरी से प्रारंभ होना निर्धारित है, पर कैसे प्रारंभ होगा जब खुद ही ये लोग सेकेंड राउंड 15 मार्च को खत्म कर रहे हैं। तो मैं घबरा गया हूँ एक्चुअली, मेरे को ये था कि एमसीसी खत्म कर देगा खींच के 25-26 फरवरी तक, और ये स्टेट खत्म कर देंगे 8 मार्च तक, ताकि कम से कम मॉप अप राउंड ये मार्च एंड में खत्म कर दें। उन्होंने बोला कि अपनी सारी जानकारियां खुद ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए डिटेल्स, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आप हमारी प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं यूपी के लिए, किसी के लिए भी, ताकि आप उनसे कुछ गलती ना हो, प्रोसेस में कुछ गलती ना हो। लोग हमारे पास ऐसे भी होते हैं, मुझे जानते, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो वहां पर खड़ों के फोन करते हैं, सर मेडिकल ऐसे बनवाना है कि ऐसे बनवाना है, क्योंकि ये बहुत गलतियां निकालते हैं ये लोग जब आप एडमिशन लेने जाते हैं या पहले वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो हमें लगता है सब कुछ आसान है, नहीं है। आप हमारी प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं, अगर आप सर यूपी में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो काफी रिजनेबल कॉस्ट में हम आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट विशेष आपके यूपी एडमिशन के लिए, धन्यवाद।